वेलकम टू आवर चैनल। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का एक क्वेश्चन था। उसको करने से पहले अगर इसका थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चन करना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो अभी हम लोग कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे ताकि क्वेश्चन हमारा थोड़ा इजी हो जाए समझने के लिए, ठीक है। तो देखिए, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें, ये क्या होता है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ डिग्री वन। अब ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोपोर्शनेट चेंज आता है जिसके कारण जो आउटपुट है उसमें भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा, ठीक है, ये होता है। इसके बाद बोला गया इन दिस प्रोडक्शन फंक्शन टू फैक्टर, यहाँ पे दो फैक्टर लिया गया है, फर्स्ट इज लेबर, सेकेंड इज कैपिटल। ओके, जो कैपिटल होता है वो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी प्रोडक्शन करते हैं तो कैपिटल आप एक बार लगाएं, ठीक है, और वो फिक्स होता है, ठीक है, लेकिन जो लेबर होता है वो वेरिएबल होता है, आते जाते रहता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल, ठीक है। लेबर को एल से डिनोट करते हैं और कैपिटल को के से करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, पी इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा, क्या है, पी इज इक्वल टू ए एल अल्फा के बीटा। हियर यहाँ पे पी क्या है, प्रोडक्शन, एल है लेबर, की इज कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ए अल्फा बीटा, ये तीनों क्या है, कॉन्स्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, जो कि आप क्वेश्चन भी करेंगे तो ये आपको इम्पोर्टेंट जानना, ठीक है। सो दिस द लीनियर फंक्शन ऑफ डिग्री वन, दिस प्रोडक्शन इज लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर प्रपोर्सनेट चेंज आता है, प्रपोर्सनेट चेंज होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा कि जो आपका आउटपुट होगा उसमें भी सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर इनपुट डबल हुआ तो आउटपुट भी डबल हो जाएगा, मतलब सेम प्रोपोर्शन में इनपुट में भी चेंज आएगा उतना ही प्रोपोर्शन में आउटपुट में चेंज आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक रीजन होता है कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल, इसलिए इसको हम लोग कॉन्स्टेंट रिटर्न टू स्केल भी, ये फॉलो किसको करता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, क्योंकि यहाँ पर इनपुट में और आउटपुट में दोनों में सेम प्रोपोर्शन में चेंज आता है, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है, और इसके कुछ प्रॉपर्टीज है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, जो कि इस वीडियो में कवर नहीं होने वाले हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने करवाया क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था जानना, नहीं तो क्वेश्चन आपको करने में काफी प्रॉब्लम हो जाती। तो बस मोटा मोटी आपको इतना समझना है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, डिग्री वन है इसमें, और यहाँ पर जितना चेंज इनपुट में आएगा उतना ही चेंज आपका आउटपुट में आएगा, ठीक है। मतलब इनपुट में जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स लग रहे हैं प्रोडक्शन करने में, ठीक है, उसमें प्रपोर्शनेट चेंज आता है जिसके कारण आउटपुट में भी सेम प्रपोर्शन में चेंज आएगा, ठीक है। और इनपुट अगर डबल हो गया, आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, अगर इनपुट डबल तो आउटपुट भी डबल, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन होता है, अगर क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर कुछ और दिया हुआ है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको देखिए ये चीज समझना है, पी यहाँ पे प्रोडक्शन है और ए और यहाँ पे ये अल्फा और बीटा, ये तीनों कॉन्स्टेंट होता है, एल है लेबर, के है कैपिटल, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्शन में लेबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और साथ में कैपिटल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको लैंड लेना होगा, मशीन्स खरीदनी होगी, तो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर आपको जनरली मिलेगी, फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज कैपिटल। अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, ठीक है, और ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसका जो थ्योरी है थोड़ा सा हम लोग ने इंट्रोडक्शन में कर लिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, क्यू इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा आपको गिवन है, आप मान लीजिए कि एम पी के निकालेंगे, ठीक है, पहले के गिवन है, तो आपको क्या करना होगा, डी अपॉन डी के, ये क्यू को आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लीजिए आप इसको आप डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी अपॉन डी के, और ये वैल्यू क्यू के जगह पे ये वैल्यू हम लोग रखते हैं ए के अल्फा एल बीटा, ठीक है,
ये वैल्यू हम लोग रखें। अब देखिए ए और एल बीटा हम लोग बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट करते हैं के, ठीक है, तो इज इक्वल टू ए और हम लोग एल बीटा को बाहर कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं के को, तो अल्फा के अल्फा माइनस वन, ठीक है। अगर आपने कॉब डगलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है ये आपको बहुत सिंपल लगेगा, और डिफरेंशिएशन अगर आपने पढ़ा है तो भी ये सिंपल ही लगेगा आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा अल्फा को मैंने इधर साइड में लिख दिया है ए, और एल बीटा के पावर में है अल्फा माइनस वन, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर के का पावर अल्फा, के का पावर माइनस वन लिखते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे अल्फा अपॉन के ए एल बीटा के, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा एम पी के निकला, ठीक है, एम पी के। अब इसी तरीके से हम लोग मान लीजिए एम पी एल निकालते, ठीक है, मतलब कि आपको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एल के रिस्पेक्ट में, डी अपॉन डी एल क्यू, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे डी एल क्यू का वैल्यू क्या है, ए के अल्फा एल बीटा, ठीक है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ए, ठीक है, ए के बी के अल्फा को बाहर रखेंगे, फिर बीटा एल बीटा माइनस वन, ठीक है। तो अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बीटा को मैंने साइड कर दिया, ठीक है, बीटा और ए के अल्फा और एल बीटा एल माइनस वन, ठीक है। तो हम देख रहे हैं बीटा और ये एल माइनस वन नीचे हो जाएगा वन बाई एल, मतलब कि नीचे एल चला जाएगा, ठीक है, ए के अल्फा एल बीटा, ठीक है। बीटा अपन एल को अगर हम साइड कर देते हैं तो ए के अल्फा एल बीटा, ठीक है, ए के अल्फा एल बीटा जो कि क्यू क्यू जो क्यू था वो आ गया। यहाँ पर भी आप देखिए अल्फा के को अगर हम साइड कर देंगे तो ए एल बीटा के अल्फा, ठीक है, ये इसके इक्वल आ गया क्योंकि, तो देखिए ये हम लोग ने एम पी के एम पी एल निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विच इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फोर। यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री फोर बोला जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन गिवन है, उसका डिग्री क्या है, फोर है, ठीक है। व्हाट डिग्री ऑफ होमोजेनिटी आपको एमपी, ये जो है मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, इसका आपको डिग्री निकालना है। तो कैसे आप डिग्री निकालें, बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एमपीके के वैल्यू में मैं ये जो वैल्यू है ये हमारा, ये वैल्यू में हम लोग लेमडा से लेमडा यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा वैल्यू ये था, ए, अब देखिए एल एल बीटा है, यहाँ पर हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा बीटा अपॉन एल बीटा, ठीक है। इसके बाद के में भी हम लोग लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लेमडा अल्फा के अल्फा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आप देखिए के में फिर हम लोग यूज कर लेंगे लेमडा, ये हो गया। अब देखिए एक चीज आप देख सकते हैं ए, ठीक है, लेमडा में बीटा है, लेमडा में अल्फा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेमडा के वैल्यू में अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, थीके? और यहाँ पर एक वैल्यू के है जिसको मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ। उसके बाद आप देखिए नीचे में भी ये जो लैम्डा है इसका पावर कुछ नहीं है, मतलब कि वन है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर लिखते हैं लैम्डा, सॉरी लैम्डा लैम्डा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और यहाँ पे के का के रहेगा और ऊपर में ये लैम्डा नीचे है ये ऊपर में आ जाएगा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा, माइनस वन आएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आता है, वन, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन, तो ये हम अल्फा बीटा हटा के हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं वन, ठीक है। लेकिन हम लोग वन नहीं लिख के
क्वेश्चन में डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का वैल्यू, सॉरी फंक्शन ऑफ डिग्री, देखिए यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 रहता है, ठीक है, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में, लेकिन यहाँ पे वैल्यू गिवन है 4, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा था, यहाँ पे लोग 4 ठीक है लेंगे, और नीचे में लैम्डा का वैल्यू 1 था, जो कि ऊपर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल हम लोग कर देते 4 -1, ठीक है, तो वैल्यू कितना आया, 3 आया, कैसे आया आपको समझ में आ गया, ये जो लैम्डा है ठीक है, ये लैम्डा के ऊपर पावर है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, देखिए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 4, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू 4 लिखेंगे, और ये जो लैम्डा जो नीचे में आपका है ठीक है, ये इसमें कुछ नहीं है, मतलब इसका पावर 1 है, और ये लैम्डा जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब कि इस पावर में हम लोग 4 रखें, 4, और ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो -1, मतलब 4 -1, तो इसका डिग्री कितना आया, इसका डिग्री आया आपका 3, ठीक है, और जो डिग्री एमपीएन होगा वही आपका एमपीक्यू होगा, ये प्रॉपर्टी होता है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है, तो अब इसका इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आपका 3, आंसर विल बी 3, आंसर विल बी 3.